बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम हेयर विद यू विद द लेक्चर नंबर 6 ऑफ इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स। एंड दिस लेक्चर इज़ अबाउट इनपुट डिवाइसेस। इन लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट हार्डवेयर डिवाइसेस। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन अबाउट डिवाइसेस, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस another type of hardware devices, category of hardware devices which are the input devices. Let me introduce myself. My name is Dr. Aftab Akram, and I have done my PhD in computer science from South China Normal University in Guangzhou, China, and currently I am working as a lecturer in Division of Science and Technology, University of Education, Lahore. So let's begin today's lecture. इससे पहले कि हम एक्चुअली डिस्कस करें कि हमने इनपुट डिवाइसेज जो है वो हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि कीबोर्ड और माउस और पॉइंटिंग डिवाइसेस ये डिस्कस की थी। एक्चुअली वो डिवाइसेस जो है उसमें हम डाटा भी इनपुट कर सकते हैं और कमांड्स भी। तो लेकिन हमने देखा था कि उसमें हम सिर्फ जो है वो टेक्स्ट टाइप का या फिर जो है वो हमारे पास जो अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक डाटा है उसको इनपुट कर सकते हैं। तो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ डिवाइसेस जिसके ज़रिए जो है वो हम जो है वो मेनली जो इमेज टाइप का डाटा है वो इनपुट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम उन डिवाइसेस को डिस्कस करें, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले उसमें जो है चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अ पिक्सल। सो व्हाट इज़ अ पिक्सल? पिक्सल और पिक्चर एलिमेंट, एक्चुअली दिस पिक्सल इज एब्रीवेशन ऑफ पिक्चर एलिमेंट, इज़ अ सिंगल पॉइंट इन अ रास्टर और बिट मैप इमेज। तो एक्चुअली क्या है कि जो इमेज है, जो भी आप इमेज नॉर्मली कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं, दैट इज़ एक्चुअली मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी डॉट्स। तो यू कैन इमेजिन दैट दिस इज़ रोज एंड कॉलम्स ऑफ टाइनी डॉट्स जस्ट लाइक दिस वन, एंड दे आर लार्ज इन नंबर। तो इनको हम कहते हैं पिक्सल कहते हैं। इन पिक्सल की दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है कि इसकी पोजीशन क्या है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दिस पिक्सल, और दूसरा ये होता है कि और आमतौर पे पिक्सल ये जो पोजीशन है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स और वाई लोकेशन पे। एक्स मीन के इसका रो नंबर क्या होगा और वाई मीन के कॉलम नंबर क्या होगा। तो दूसरी चीज़ होती है इसका कलर, व्हाट इज़ द कलर। तो ये दोनों चीज़ें जब इन दोनों चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक इमेज आता है जिसको कि हम बिट मैप इमेज जो है हम उसको कहते हैं। तो इस तरह के इमेज जो पिक्सल से मिलकर बना हो उसको हम कहते हैं दैट इज़ अ रास्टर और बिट मैप इमेज। अब पिक्सल इज जनरली थॉट ऑफ एज अ स्मॉलेस्ट सिंगल कंपोनेंट ऑफ अ डिजिटल इमेज। जो भी आप नॉर्मली कंप्यूटर स्क्रीन पे, लैपटॉप पे या मोबाइल फ़ोन पर आप देखते हैं, वो तमाम के तमाम पिक्चर्स जो है वो इसी तरह छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनी हुई थी। बट दिस डॉट्स आर इतने छोटे होते हैं साइज़ में कि हमारी जो आँख है वो इसको नहीं देख सकती कि इतने छोटे साइज़ में होते हैं कि उनको जज नहीं कर सकते कि दिस इज़ अ स्मॉल डॉट। और ये पूरी इमेज जो है ये एक इस तरह के छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनी हुई है। पिक्सल आर नॉर्मली अरेंज्ड टू डायमेंशनल ग्रिड एंड आर ऑफन रिप्रेजेंटेड यूजिंग डॉट्स और स्क्वेयर। जैसे आप देखें कि ये इमेज है, ये एक एग्जांपल है। दिस इज़ एक्चुअली 1:1, एंड नॉर्मली हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 1:1 का मतलब है 1 row and 1 column। ये 2:2 का मतलब है 2 rows and 2 columns। ठीक है, तो दिस इज 2:2, दिस इज 5:5, दिस इज 10:10। एंड इस तरह आप देखें कि जैसे जैसे, अच्छा ये जगह, ये स्पेस उतनी ही है, साइज़ उतने, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ पिक्सल जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे जैसे जैसे नंबर ऑफ़ पिक्सल इंक्रीज़ होते जाएंगे, बिकॉज के अब हमने क्या करना है कि ये एक सिंगल पिक्सल था इस पूरे साइज़ में, और यहाँ पे अगर आप 10:10 देखें तो तकरीबन इसको मल्टीप्लाई करें तो 10 rows and 10 columns है। सो दीज आर अप्रोक्सीमेटली आप इसे कह सकते हैं कि 10,000 pixels है। अब उसी जगह में जिस जगह पर एक पिक्सल था, अब उसी जगह पर 10,000 pixels है। तो आप देखें कि दोनों में या इसको इनको कंपेयर करें, 4:20 का मतलब है कि आपके पास 400 pixels है। अब इन दोनों इमेजेस को कंपेयर करें
तो देर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस, यू कैन सी कि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और ये इमेज जो है ज़्यादा क्लियर है। तो उसकी वजह ये है कि जो उसी उसी स्पेस में या उसी जगह में जो नंबर ऑफ पिक्सल है वो हमने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिए। अच्छा, अलावा ये है कि जो अभी हमने देखा है जो नंबर ऑफ पिक्सल हैं दिस इज़ एक्चुअली द, इसको हम कहते हैं इमेज रेजोल्यूशन। फॉर एडिशनल इमेज रेजोल्यूशन इज़ द नंबर ऑफ पिक्सल के हमारे पास कितने जो हैं वो नंबर ऑफ पिक्सल जो हैं वो मौजूद हैं। और जितने ज़्यादा द ग्रेटर द नंबर ऑफ पिक्सल द शार्पर द इमेजेस। अभी हमने पिछली एग्जाम्पल में भी देखा कि हमने जैसे जैसे नंबर ऑफ पिक्सल इंक्रीज करते गए तो उसी स्पेस में जो पिक्सल का साइज है वो छोटा होता गया और इमेज की जो जो क्लैरिटी है वो बढ़ती गई। उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, हाउ द रेजोल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड, उसके कुछ मेथड्स हम उसको देखते हैं। पहला ये है कि आप उसको नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ जो रोज है उसको आप बता सकते हैं, जैसे 640 × 480। तो दिस इज़ अ वे, इस तरह से आप बता सकते हैं। तो ये सिर्फ ये होता है कि इसमें कॉलम्स और रोज़ को हमने बताना होता है कि इतने कॉलम्स हैं इतने रोज़ हैं। अच्छा, उसके बाद है कि आप टोटल नंबर ऑफ पिक्सल बता दें। टोटल नंबर ऑफ पिक्सल कैसे है कि जैसे ये हमने हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल्स का पता है, आप इनको मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करें कि इसको 1 मिलियन पे जो है वो डिवाइड कर लें। तो 1 मिलियन पर डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा मेगा पिक्सल। तो 3 मेगा पिक्सल का मतलब है 3 मिलियन पिक्सल। तो उसको हम कह देंगे कि दिस इज़ अ 3 मिलियन पिक्सल। उसका उसका उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल हैं आप उनको मल्टीप्लाई करें और उसके बाद क्या करें कि उसको 1 मिलियन से डिवाइड कर दें तो वो आपके जो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल हैं। और नॉर्मली जो कैमराज की जो डिजिटल कैमराज हैं उनकी रेजोल्यूशन जो है वो हम नॉर्मली मेजर करते हैं इन मेगा पिक्सल्स। ओके, जो चौथा मेथड है वो है तीसरा मेथड सॉरी दैट इज़ द पिक्सल पर लेंथ यूनिट और पिक्सल पर एरिया यूनिट। तो जैसे पिक्सल पर इंच और पिक्सल पर स्क्वायर इंच और डॉट्स पर इंच जो है वो हम मेजर करते हैं। तो इसका इसका यह मतलब है PPI कह देते हैं पिक्सल्स पर इंच। इसका मतलब है कि जो एक स्क्वायर इंच है दिस इज़ 1 इंच बाय 1 इंच। तो 1 इंच बाय 1 इंच में जो हमारे पास जो है ये इसमें जो है कितने पिक्सल होंगे, या 1 स्क्वायर इंच, इसको 1 स्क्वायर इंच भी कह दें या डॉट्स पर इंच। तो इससे सेम थिंग आमतौर पे जो स्कैनर्स हैं या प्रिंटर्स की जो रेजोल्यूशन है वो हम मेजर करते हैं इस तरह से PPI या DPI में जो है वो मेजर करते हैं। सो नॉर्मली दिस काइंड ऑफ रेजोल्यूशन दिस इज़ यूज फॉर मोनीटर्स। अगर आपके पास कोई मोनीटर है तो उसकी जो है वो हम मेजर करेंगे, जो रेजोल्यूशन है वो हम इस तरह से मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पिक्सल। और जो कैमराज हैं कैमराज की रेजोल्यूशन हम इस तरह से मेजर करते हैं दिस इज़। ये डिफरेंट तरीके हैं लेकिन एक्चुअली हैं ये इनका जो इफेक्ट है वो सेम ही है। और ये जो है ये नॉर्मली प्रिंटर्स या स्कैनर के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज़ द कलर डेप्थ। तो हमने बताया था कि जो बिटमैप इमेज है इसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक पिक्सल का कलर और दूसरी उसके कलर पिक्सल उसकी पोजीशन और कलर, ये दो चीज़ें जो है ये इम्पॉर्टेंट होती है। तो कलर जो है वो कलर डेप्थ एक्चुअली इसके कि हमारे पास नंबर ऑफ कलर्स कितने हैं, एक पिक्सल के लिए मैक्सिमम कितने कलर जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कलर डेप्थ। कलर डेप्थ और बिट डेप्थ इज द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट द कलर ऑफ सिंगल पिक्सल। तो चूँकि हम बाइनरी या डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करें तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं। तो जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगी वो एक्चुअली वो हमें बताएंगे उतने ज़्यादा हम कलर्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक फार्मूला होता है दैट इज़ 2^n। तो n जो है वो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द एक्चुअली द नंबर ऑफ बिट्स। तो ये नॉर्मली जितने भी बाइनरी कंप्यूटर हैं उनमें बिट्स के कम्बिनेशन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर लेट्स सपोज के अगर आपके पास नंबर ऑफ बिट्स 2 हों तो आपके जो है वो आप सिर्फ क्या कर सकते हैं कि 4 कलर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और टिपिकली इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो एग्जैक्टली हम बता सकते हैं क्योंकि 4 कम्बिनेशन है, सो दीज आर 4 वैल्यूज़। और अगर आप इसको देखें तो हमने जो
बाइनरी से डिजिटल में ट्रांसमिशन, बाइनरी से डेसिमल में की थी, उसमें हम इनके डेसिमल वैल्यूज भी बता सकते हैं, जैसे 0, 1, 2 एंड 3। तो इनमें से एक कलर, लेट्स से के दिस कैन बी ब्लैक एंड दिस कैन बी वाइट, और ये जो है इनमें से इनके दरम्यान में ये दो जो है ये दो एक कम्बिनेशन है जिसमें के ये हम ब्लैक से वाइट की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे ब्लैक की कंपोजिशन कम होती जाएगी और वाइट की बढ़ती जाएगी। सो दीज आर ओनली 4 कलर पॉसिबल कलर्स। तो अगर हम नंबर ऑफ पिक्सल बढ़ा देंगे तो हमारे पास जो पॉसिबल कलर कम्बिनेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। द नंबर ऑफ डिस्टिंग कलर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पिक्सल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल, उसको बीपी भी कहते हैं कि हमारे पास जो है वो कितने। जैसे यहाँ पे जो इस एग्जांपल में जो हमने डिस्कस की थी, इसमें जो हमारे पास बीपीपी थी वो 2 बिट्स थी, उसको हम कहेंगे कि 2 बिट्स। और जितनी ये ज़्यादा होंगी, नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा होंगे, इसका मतलब है कि कलर कम्बिनेशन उतने ही ज़्यादा होंगे। अ 1 बिट बीपीपी इमेज यूजेस 1 बिट फॉर ईच पिक्सल, सो ईच पिक्सल कैन बी इधर ऑन और ऑफ, या ब्लैक होगा या वाइट होगा, बस ये 2 पॉसिबिलिटीज है। और ये जैसे हम ये कुछ एग्जांपल देखते हैं, 1 बीपी का मतलब है कि 2 कलर्स ये मोनोक्रोम है, ऑन होगा तो ब्लैक, ऑफ होगा तो वाइट। या हमारे पास ये दूसरा है, दिस इज 2 बीपी, इसमें जो है वो हमारे पास 4 कलर्स पॉसिबल है। अगर 3 बीपी हो जाए तो ये 2 रेस्ट 3, तो 8 कलर्स है हमारे पास। इसी तरह से अगर हमारे पास 8 बीपी हो गए तो हमारे पास टोटल है वो 256 कलर्स आ जाते हैं। तो ये बेसिक जो है वो कलर्स हैं, इसमें रेड, ग्रीन और ब्लू सारे जो है वो कवर हो जाएंगे। और अगर 16 बिट हो जाए तो हम 2 रेस्ट 16 हमारे पास कम्बिनेशन होंगे, विच आर अप्रॉक्सीमेटली 65,000 कलर्स। तो इसको हम हाई कलर जो है वो हम इसे कहते हैं। और अगर 24 बिट्स हो तो हमारे पास जो है वो 16.8 मिलियन कलर्स होते हैं, इसको हम ट्रू कलर भी हम इसको जो है वो कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ हैं, ये हमारे पास इमेज है जो कि जिसमें 1 बिट पर पिक्सल है, इसमें सिर्फ या तो कोई पिक्सल जो है उसका कलर वाइट है या फिर ब्लैक है, इसके अलावा कोई और कलर नहीं है। ये 2 बिट्स पर पिक्सल वाला ये देखेंगे, ये थोड़ा सा स्लाइटली इससे जो है वो बेहतर है। और इसी तरह से ये हमारे पास जो है 8 बिट पर पिक्सल, आप देखेंगे यहाँ पे ये ग्रे स्केल से हट के जो है, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो आपको कुछ कलर्स जो है वो क्लियर नज़र आ रहे हैं, रेड आ रहा है, ग्रीन, और ये जिस कम्बिनेशन ऑफ एक्चुअली डिफरेंट कलर्स वो भी आ रहे हैं। और ये 2 कलर हमारे पास जो है ये वो है, अगर आप इनमें देखें डिफरेंस देखें, सो दिस देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दिस कलर्स। ये बहुत शार्प इमेज है, आप देखें कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इनके शेड को देखें, इनके कलर को देखें, सो दैट इज़ मच मच क्लियर। तो ये डिफरेंस होता है कि ये सेम कलर सेम इमेज है, लेकिन उसके जो कलर्स उसके जो जो बिट्स हैं पिक्सल के लिए चेंज करने से कलर वो एक्चुअली जो क्लैरिटी है वो इमेज की बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इससे फायदा, इससे एक और मसला भी होगा कि जैसे जैसे हम ये बिट्स इंक्रीज करते जाते हैं तो इमेज के साइज़ में भी जो है वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। बिकॉज क्या, अब हम ज़्यादा, अब यहाँ पे हम सब 1 बिट यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम 24 बिट्स यूज़ कर रहे थे। 24 का मतलब है कि 3 बाइट्स। तो सिर्फ जो है वो एक पिक्सल के एक कलर को स्टोर करने के लिए, एक पिक्सल के कलर को स्टोर करने के लिए हमें 3 बाइट्स चाहिए। और अगर अब उसमें 1 मिलियन हो तो इसका मतलब है कि 3 मिलियन बाइट्स जो है वो हमें जो है वो रिक्वायर्ड हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो उसका साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास 2 कलर मोड्स हैं एक्चुअली, ये यूज़ होते हैं एक तो कलर्स बनाने के लिए इन कंप्यूटर्स डिफरेंट, जो अगर आप कलर्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ये इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे पास ये 2 कलर मोड है, 1 इज़ RGB कलर मोड और दूसरा जो है हमारे पास CMYK है, हम उसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम RGB कलर मोड को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो RGB कलर मोड को हम कहते हैं एडिटिव कलर मॉडल। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो कलर्स बनते हैं वो डिफरेंट जो 3 फंडामेंटल कलर हैं, दीज आर 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 यहाँ पे स्टैंड्स फॉर रेड, और जी स्टैंड्स फॉर ग्रीन, एंड बी स्टैंड्स फॉर ब्लू। ये बेसिक कलर हैं 3, और बाकी सब कलर्स हैं वो इन्हीं के कम्बिनेशन से मिलके जो है वो बनते हैं। तो हमारे पास जो है वो इसको एडिटिव इसलिए कहते हैं कि जो भी कलर हम बनाएंगे
वो इन तीनों कलर्स को डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिला के जो है वो बनाएंगे। तो इस वजह से हम इनको कहते हैं एडिटिव कलर मोड। और ये तीन कलर्स पर मुश्तमिल है, अभी जैसे कि हमने कहा कि रेड, ग्रीन और ब्लू हैं इसमें तीन कलर्स, और दीज कलर्स आर रेडी टू रिप्रोड्यूस अ ब्रॉड एरे ऑफ कलर्स। मेन पर्पज ऑफ द आरजीबी कलर मॉड्यूल इज फॉर द सेंसिंग रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्प्ले ऑफ इमेजेस इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज टेलीविजन एंड कंप्यूटर्स। तो मोस्टली ये जो एडिटिव कलर मॉडल है ये यूज़ होता है मोनिटर्स में, उसमें हम इसको जो यूज़ करते हैं। मोनिटर्स चाहे जो है वो हमारे पास जो पुराने जो हमारे पास जो एक होते थे मोनिटर जिसमें इलेक्ट्रॉन गन होती थी उस पे हों, उनके वो मोनिटर्स हों, या मॉडर्न एलसीडी या ये जो मोनिटर्स हैं ये हों, इन सब में यही कलर मॉडल जो है वो यूज़ होता है। एक्चुअली जो भी कलर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं वो एक्चुअली इन तीनों कलर का कम्बिनेशन जो है वो होते हैं। ये एक दूसरा जो है वो हम डिस्कस करते हैं विच इज़ द सी एम वाई के। तो ये जो कलर मॉडल है इस कॉल्ड सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल। तो सब्ट्रैक्टिव इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है वो कलर्स जो हैं वो जो है वो एब्जॉर्ब होते ये एक्चुअली प्रिंटिंग में यूज़ होता है। तो इसमें इस तरह से होता है कि जब नेचुरल लाइट जो विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ सेवन डिफरेंट लाइट्स, तो नेचुरल लाइट जब किसी भी सरफेस पर पड़ती है तो वो जो सरफेस है वो उसमें से कुछ लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ बाकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये कलर मॉडल इस चीज़ पे बेस करता है कि कुछ कलर ऐसे हैं जो स्पेसिफिक वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करते हैं और बाकियों को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इस वजह से इसको जो है वो सब्ट्रैक्टिव कलर कहते हैं, जिसमें से जो लाइट है उसमें से कुछ कलर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बाकी कलर जो है वो हमें नज़र आते हैं। तो ये जो सी एम वाई के स्टैंड फॉर सियान, मजेंडा, येलो और ब्लैक। तो अब इसमें क्या होता है कि ये प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है। प्रिंटिंग में हम कैसे होता है, अगर आप कभी भी कलर एक न्यूज़पेपर देखें आप अक्सर उसके एच पे अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह से सी एम वाई के लिखा हुआ नज़र आएगा। तो उसका मतलब ये है कि ये कलर जो है ये जो सी एम वाई के कलर मॉडल है इसमें यूज़ होता है। तो सी एम वाई के मॉडल वर्क्स बाय पार्शली और इंटायरली मास्किंग सर्टन कलर्स ऑन टिपिकली वाइट बैकग्राउंड दैट इज़ अब्जॉर्बिंग पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जब भी किसी सरफेस पे कोई वेवलेंथ लाइट गिरती है तो उस पे जो कलर होता है वो कुछ कुछ लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेता है। तो ये सारा जो ये कलर मॉडल है ये उसी चीज़ पर जो है वो बेस करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो सियान इंक विल रिफ्लेक्ट ऑल बट द रेड लाइट। तो ये सियानिंग क्या करती है कि ये रेड लाइट को अब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी सारी लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देती है। येलो इंक विल रिफ्लेक्ट ऑल बट ब्लू लाइट एंड मजेंडा इंक विल रिफ्लेक्ट ऑल बट ग्रीन लाइट। दिस इज़ बिकॉज सियान लाइट इज़ एन इक्वल मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड ब्लू एंड येलो इज़ एन इक्वल मिक्सचर ऑफ रेड एंड ग्रीन एंड मजेंडा लाइट इज़ इक्वल मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर हमने लेट्स से कि वी वांट टू टोटली रेड लाइट को रेड कलर को बिल्कुल ही हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि जो सियान है इसकी इसकी इंटेंसिटी जो इंक्रीज़ करते जाएंगे। जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी रेड की कम होती जाएगी बिकॉज ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। और अगर आपने ब्लू को डिसअपेयर करना है तो येलो को यूज़ करें और अगर आपने ग्रीन को डिसअपेयर करना है तो मजेंडा करें। अगर आपको चीज़ ग्रीन नज़र आ रही है तो उसका मतलब है कि उसमें मजेंडा जो है वो मौजूद नहीं है। तो एक्चुअली ये प्रिंटिंग भी इस तरह से होती है कि इसमें ये चार दफ़ा बेसिकली प्रिंटिंग होती है। फर्स्ट लेयर होती है सियान की, सेकंड लेयर जो है वो मैजेंडा की होती है और फिर थर्ड लेयर येलो की, फिर उसके बाद ब्लैक की। तो ब्लैक हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ब्लैक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों कलर्स को हमें यूज़ करना पड़ेगा और उसमें बहुत ज़्यादा इंक की वेस्टेज होगी। तो इसलिए ब्लैक के लिए ब्लैक एक सेपरेट इंक अलग से जो है वो यूज़ की जाती है जो कि डिफरेंट केमिकल एक होता है, इन तीनों से एक डिफरेंट केमिकल होता है। तो जितने भी प्रिंटिंग का काम है वो सारे इस तरह से फोर कलर हम उसको कहते हैं। दिस इज़ अगर आप किसी प्रिंटिंग का कभी आप काम करें तो वो आपको कह करी ये फोर कलर जो है प्रिंटिंग है। और उसमें एक्चुअली कोई भी अगर आपको न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन या कोई बुक जो है वो आपको कलर नज़र आ रही है तो वो इसी मॉडल पर जो है वो बेस करती है। और उसका तरीक़ेकार भी यही है कि उसमें चार दफ़ा प्रिंटिंग होगी, फर्स्ट फर्स्ट पास में सियान, दूसरे पास में मैजेंडा, फिर येलो और फिर उसके बाद ब्लैक जो है वो प्रिंटिंग हो। इसलिए जो कलर प्रिंटिंग है वो ज़रा एक्सपेंसिव होती है।
ये एक कलर व्हील है, इसको हम कहते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो दीज आर थ्री बेसिक कलर्स, रेड है यहाँ पे और ये ग्रीन है और दिस इज ब्लू। तो इसके रेड के बिल्कुल ऑपोजिट देखिए ये सैन कलर है और ग्रीन के बिल्कुल ऑपोजिट मजेंडा है और ब्लू के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो येलो है। तो आप देखेंगे दरमियान में जहाँ पे ये तीनों कलर्स ये मिलते हैं इस जगह पे, तो ये देखेंगे दिस इज़ वाइट। तो एक्चुअली इसको फंडामेंटल कलर हम इसलिए कहते हैं तीनों को, कि जहाँ पे ये तीनों कलर्स मिलते हैं तो ये वाइट कलर जो है वो बनाते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे रेड और ग्रीन मिल रहा है तो वहाँ पे येलो कलर बन रहा है, और ब्लू और रेड जहाँ पे मिल रहा है तो वहाँ पे मैजेंटा कलर बन रहा है। और इसी तरह से इस जगह पे जहाँ पे ब्लू और ग्रीन मिल रहा है तो वहाँ पे ये सियान कलर बन रहा है। तो अब ये जिस तरह से हमने ये डिस्कस किया था कि सियान इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू रेड, तो रेड कलर अगर एब्सेंट है तो उसका मतलब है कि वहाँ पे हम सियान का यूज़ करेंगे। तो सियानिंग क्या करेगी कि वो रेड कलर की जो वेवलेंथ है उसको अब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी वेवलेंथ्स को जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगी। तो इसलिए हमें सिर्फ जो है वो रेड के अलावा बाकी सब कलर्स जो है वो नज़र आएंगे। ओके, तो पहली हम डिवाइस अपनी डिस्कस करते हैं जो कि हमारी इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल स्कैनर। ऑप्टिकल स्कैनर हम इसे क्यों कहते हैं कि इट्स एन इनपुट डिवाइस दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट और इमेजेस यूजिंग लाइट एंड कन्वर्ट्स इट टू कंप्यूटर रीडेबल बाइनरी फॉर्म। तो ऑप्टिकल हम इसको इसलिए कहते हैं कि बिकॉज वो यूज़ लाइट। तो हम इस प्रोसेस को जो है वो स्कैनिंग कहते हैं, स्कैनिंग स्कैनर इस डिवाइस को जो हम कहते हैं। और ये डिवाइस क्या करती है कि हमारे पास अगर कोई टेक्स्ट हो या इमेजेस हो तो उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो ये एक सिंपल एक डिवाइस स्कैनर है। अब मे बी आपने इस तरह का स्कैनर नहीं देखा हो लेकिन शायद इस तरह का देखा हो। सो दिस इज जस्ट लाइक फोटो कापी मशीन, अगर आप देखे हो तो उस तरह का फोटो कापी मशीन एक्चुअली एक कम्बो डिवाइस जिसमें कि स्कैनर और प्रिंटर होता है। तो स्कैनर इस तरह का ही होता है, इसको हम फ्लैट बेड स्कैनर हम इसे कहते हैं, बिकॉज इसमें कि एक फ्लैट एक सरफेस होता है जिस पे कि हम पेज या इमेज रख के उसको स्कैन कर सकते हैं। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सरफेस। और ये जो शीट फैब्रिकेशन के होते हैं इसमें से जो है वो एक एंड से शीट फीड की जाती है और दूसरे एंड से शीट जो है वो स्कैन होकर बाहर निकल आती है। बट देयर आर रेयर, आपको कॉमनली आप इनको नहीं देखेंगे बिकॉज उसके स्पेसिफिक जो एप्लीकेशन है उसमें ही जो है ये आपको मिलेंगे। ओके, तो ये कैसे करते हैं, ये स्कैनिंग जो है किस तरह से होती है, इस प्रोसेस को जो। तो सबसे पहले ये एक शीट फ्लैट बट किस्म का जो एक स्कैनर है उसका एक आप कह लीजिए उसका एक डायग्राम है। तो यहाँ पे हम ये ग्लास सरफेस है, ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसके ऊपर हम जो भी हमारे पास जो पेज है हम उसको इन्वर्ट करके रख देते हैं। उसके बाद इसमें एक लाइट सोर्स होता है, दिस इज़ द लाइट सोर्स। इससे जो है वो लाइट जो है वो थ्रो की जाती है इस पेपर के ऊपर। ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है इस मिरर की मदद से। हमने जैसे इसको ये जो मिरर्स लगे हुए हैं दीज आर जस्ट, कि ये है कि जो लाइट को जो है वो यहाँ पे जो सी सी डी है दैट स्टैंड फॉर चार्ज कपल डिवाइसेज, ये बेसिकली फोटो सेल्स होते हैं। फोटो सेल्स जो हैं वो क्या है कि वो एक ऐसी एक डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को करंट में कन्वर्ट कर देती है। तो अब इसमें क्या होता है कि जितनी जब इसके ऊपर लाइट गिरती है इस इन सी सी डीज के ऊपर, तो वो अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो क्या करते हैं उसको करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड दिस इज अनदर डिवाइस विच इज़ कॉल्ड ए डी सी। ए डी सी स्टैंड फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, बिकॉज के जो करंट प्रोड्यूस करते हैं ये चार्ज कपल डिवाइसेज भी वो एनालॉग फॉर्म में होते हैं। तो हमने उसको क्या करना था कि हमने उसको डिजिटल फॉर्म में हमने उसे कन्वर्ट करना था। तो हम फिर क्या करते हैं कि हम उसको जो है वो इस सर्किट की मदद से, इसको ए डी सी कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि उसको डिजिटल फॉर्म में या जीरोज एंड वन के फॉर्म में कन्वर्ट करके और हम उसको जो है वो कंप्यूटर में फीड कर देते हैं। तो ये इसका प्रोसेस है। डिटेल से अगर हम इसको देखें तो ये जस्ट रीड आउट दिस, व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेस्ड फॉर स्कैनिंग अ लाइट सोर्स इनसाइड द स्कैनर थ्रोज लाइट ऑन दैट डॉक्यूमेंट, द लाइट इज रिफ्लेक्टेड आफ्टर स्टार्टिंग
स्टैगिंग डॉक्यूमेंट, ईच कलर इन द डॉक्यूमेंट हैज डिफरेंट लाइट रिफ्लेक्टिंग एंड लाइट अब्जॉर्बिंग टेंडेंसी, सो द लाइट कमिंग बैक फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट डिफरेंट, एंड द लाइट व्हेन कम्स बैक फॉल ऑन द फोटो सेल द सीसीडी चार्ज कपल डिवाइसेस और कॉन्टैक्ट टीवी सेंसर या सीएएस उसको कहते हैं। बेसिकली ये फोटो सेल भी हैं, बस दे आर स्लाइटली डिफरेंट, उनका उनका पर्पज़ और उनके नाम है। मोस्टली ये जो स्कैनर में यूज़ होते हैं उन्हें सीसीडीज कहते हैं, जो कैमराज में यूज होते हैं उसको कॉन्टैक्ट टीवी सेंसर्स कहते हैं। दिस सेंसर कन्वर्ट लाइट इनटू एनालॉग करंट, दिस एनालॉग दिस करंट इज देन सेंड टू एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर व्हिच कन्वर्ट्स इन एनालॉग करंट टू डिजिटल फॉर्म, और वो हमें जो जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में फीड हो जाती है। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है विच इज़ नोन एज द इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन बेसिकली एक मैथमेटिकल टेक्निक है, इसमें करते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हों तो हम उसके दरम्यान में एक और पॉइंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब वो पॉइंट हम जिस तरह से ऐड करते हैं तो टिपिकली हमें करते हैं कि इन दोनों पॉइंट की एवरेज ले लेते हैं। जैसे अगर वन और टू के दरम्यान में अगर हमने पॉइंट ऐड करना है तो दैट विल बी 1.5, ये एक पॉइंट ऐड किया हमने। अगर हम दो या तीन पॉइंट ऐड करना चाहें तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक जो है वो इस्तेमाल होगी, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये होगा कि उन पॉइंट्स की वैल्यूज हैं वन से ग्रेटर होंगे, टू से लेस होगी। तो ये इस तरह से जो है वो हम उसको करेंगे। तो आमतौर पर जो मिडिल वैल्यू है 1.5 होगी और बाकी वैल्यूज हैं, यहाँ एक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और एक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। एक वैल्यू 1.5 से कम होगी और एक वैल्यू 1.5 से ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम जितने पॉइंट्स हैं इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरपोलेशन। सो उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? बिकॉज के जो जो हमारे पास जो नॉर्मली ये जो सेंसर्स होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो जो फोटो सेल्स जो जो लाइट को करंट में कन्वर्ट करते हैं, रफली आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक जो है वो एक जो है वो एक एक पिक्सल है। तो उस पिक्सल, लेकिन उसमें ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा पिक्सल उस पर जो है वो बिल्डिंग कर सकते हैं। बिकॉज कि जितने हम उसको इंक्रीज नंबर ऑफ पिक्सल इंक्रीज करेंगे, वो जो डिवाइस है जो सीसीडीज हैं उनका साइज़ बढ़ जाएगा और वो एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। तो इसलिए नॉर्मली उनकी जो नंबर ऑफ सीसीडीज हैं या जो फोटो सेल्स हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि मोस्ट फ्लैट पैड स्कैनर्स हैव टू हार्डवेयर रेजोल्यूशन 300x300 डॉट्स पर इंच। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि आपके उसमें टोटल जो है वो 300 हॉरिजॉन्टल फोटो सेल्स होंगे, 300 वर्टिकल फोटो सेल्स होंगे। तो अब हम उसको ये करते हैं कि ये हमारे पास उसकी टू उसकी असल रेजोल्यूशन होती है, तो हम उसकी रेजोल्यूशन को हम आर्टिफिशियली इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो उस प्रोसेस को हम देखते हैं, उसको हम इंटरपोलेशन लेवल कहते हैं। अ प्रोसेस दैट द स्कैनिंग सॉफ्टवेयर यूज टू इंक्रीज द परसीव्ड, यहाँ पे हमने यूज किया परसीव्ड रेजोल्यूशन ऑफ एन इमेज, उसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। हम उसको कहते हैं इट डज दिस बाय क्रिएटिंग एक्स्ट्रा पिक्सल इन बिटवीन वंस एक्चुअली स्कैन बाय द सीसीडी अरे। अब उसका ये होता है कि हमारे पास दो पिक्सल है, वन पिक्सल इज दिस वन, वन पिक्सल दिस वन। ये कलर जो है ये ब्लैक कलर का है और ये वाइट कलर का। अब हमने इसके दरम्यान में अगर एक पिक्सल और ऐड करना है तो पोजीशन तो हमें पता चल गई कि दो पिक्सल्स के दरम्यान में होगी, लेकिन अब इसका कलर क्या होगा? वो 50% ब्लैक होगा और 50% वाइट होगा। इस तरह से उसको हम ऐड करके हम एक कलर बनाएंगे। तो इस तरह से एवरेज लेके उसका जो हम कलर बना लेते हैं। तो दीज एक्स्ट्रा पिक्सल आर इन एवरेज आर एन एवरेज ऑफ द एडजेसेंट पिक्सल्स। फॉर एग्जाम्पल इफ अ हार्डवेयर रेजोल्यूशन इज 300x300 एंड इंटरप्रेटेड रेजोल्यूशन इज 600x300, देन द सॉफ्टवेयर इज एडिंग अ पिक्सल बिटवीन एवरी स्कैन एवरी वन स्कैन बाय सीसीडी सेंसर ईच रो। तो हर रो के अंदर जो है वो क्या करते हैं कि वो जो है वो एक जो है वो जैसे आप समझ लें कि पहले उससे पहले ये था कि 300 रोज थी और 300 ही कॉलम्स थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज जो हैं वो हम ये कर रहे हैं, इस रो में नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं और इस रो में हम नंबर ऑफ जो पिक्सल है वो डबल कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ रोज जो है वो सेम रहेंगे लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ये इससे फ़र्क जो है वो पड़ेगा। टाइप ऑफ स्कैनर देख लेते हैं। हमारे पास चार तरह के स्कैनर होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है हम उसको कहते हैं फ्लैट पैड स्कैनर।
तो इस फ्लैट बस के अंदर भी क्या होता है कि इसमें लाइट सोर्स मूव करता है, पेज स्टेशनरी होता है। शीट फाइव भी क्या होता है कि लाइट सोर्स स्टेशनरी होता है, पेज मूव करता है। इसके अलावा हमारे पास पेन टाइप स्कैनर्स होते हैं, दीज आर एक्चुअली पोर्टेबल स्कैनर्स। और ये छोटा सा कोई भी जैसे बार कोड होता है उसको स्कैन करने के लिए यूज़ होते हैं, बट ये स्कैनिंग क्वालिटी इज़ नॉट गुड। आप इससे बड़ी जो जो डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन नहीं कर सकते। फिर हमारे पास ड्रम या रोटरी स्कैनर्स होते हैं। तो इसमें ये फ्लैट फ्लैट बेड का और शीट फ्लैट का ये आप कह लें कि मिक्सर है। इसमें लाइट सोर्स भी मूव करता है, पेज भी मूव करता है, और इनकी स्कैनिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। दे आर मोस्टली यूज इन कमर्शियल एप्लीकेशंस। तो ये हमारे पास जो है ये चार तरह के हैं। ये हमारे पास एक फ्लैट बेड स्कैनर है, दिस वन फर्स्ट वन, ये शीट फ्लैट टाइप है, ये पेन टाइप स्कैनर है, और दिस वन इज़ द रोटरी स्कैनर। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपको ये ड्रम सा नजर आएगा। तो इसमें मल्टीपल लाइट सोर्स होते हैं और ये रोटेट करते हैं। तो होता क्या है कि जब एक पेज हम इसके अंदर फीड करते हैं, जस्ट लाइक शीट फाइव स्कैनर, तो इसमें लाइट सोर्स यहाँ पे बिल्कुल स्टेशनरी होता है, वो मूव नहीं करता। लेकिन इसमें लाइट सोर्स मूव करता है, तो जैसे जैसे एक पेज इसके अंदर मूव करता है वो लाइट सोर्स भी मूव करता है, और वो पेज मूव करता है तो साथ साथ उसकी स्कैनिंग भी होती रहती है। और उसके बाद फिर सेकंड पेज जो सेकंड लाइट सोर्स, फिर उसके बाद थर्ड पेज थर्ड लाइट सोर्स। तो इस तरह इसमें से मल्टीपल लाइट सोर्सेज जो है वो काम करते हैं और वो स्कैनिंग स्पीड को जो है बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं। अच्छा, जो हमने डिस्कस करनी है अगली डिवाइस, ये भी स्कैनर्स ही हैं, लेकिन स्कैनर जो है वो उनका एक ये स्पेसिफिक आप कह लें कि एक उनका करेक्टर है, ये उनका एक उनको यूज़ करने का एक तरीका है। हम इनको सोर्स अटेंडेड डिवाइसेस कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, उसके रीज़न क्या है? बिकॉज दिस डिवाइसेस कैन रीड जो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में डाटा फॉर्म डिवाइसेस, उसको स्कैन करके डायरेक्टली कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं। द डिवाइसेज दैट आर यूज टू डायरेक्टली इनपुट डाटा टू कंप्यूटर आफ्टर रीडिंग फ्रॉम सम सोर्स, तो उसको हम सोर्स अटेंडेड डिवाइसेज कहते हैं। दिस डिवाइसेज कैन रीड डाटा इन एन्कोडेड फॉर्म। ये नहीं होगा कि जैसे कोई भी चीज़ हम उसको पढ़ सकते हैं, बट वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में डाटा होता है, उसको हम इनकोड डाटा को इनकोड करते हैं। इनकोड करने का मतलब ये होता है कि उसकी जो टिपिकल उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, हम उसको चेंज करके उसकी जगह पे जो है वो हम उसकी एक डिफरेंट जो उसकी एक फॉर्म है उसको यूज़ करते हैं। जो सम कॉमनली यूज STES सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, बार कोड रीडर्स है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन है, या उनको OCR कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है, OMR हम उनको कहते हैं, और मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकॉग्निशन। ये डिवाइसेज हैं, इनमें से जो पहली तीन डिवाइसेज हैं बेसिकली ये स्कैनर्स की ही आप कह लें कि मॉडिफाइड जो है वो फॉर्म है, और जो बाकी जो चौथी डिवाइस है वो डिफरेंट है, वो ऑप्टिकल डिवाइस नहीं, वो एक्चुअली मैग्नेटिक डिवाइस है। और उसके बाद जो आखिरी हमारे पास टाइप रहता है स्मार्ट कार्ड, उसको हम देखेंगे लास्ट में। तो एडवांटेजेस क्या हैं, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो एसटी डिवाइसेज हैं इनके एडवांटेजेस क्या हैं। पहले ये कि सोर्स अटेंडेड डिवाइसेस सब्सटेंशली रिड्यूस डाटा इनपुट, इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, एंड देयर फास्ट एंड एक्यूरेट डाटा इनपुट सेव टाइम एंड इंप्रूव एफिशिएंसी, एंड आइडियल टू यूज इन्वायरमेंट्स वे बट डाटा इनपुट इज रिक्वायर्ड क्विकली एंड एक्यूरेटली। उसकी एक एग्जाम्पल ही हो सकती है, आप किसी सुपर स्टोर में गए तो वहाँ पे अक्सर आप देखेंगे कि जब आप चेकआउट कर रहे होते हैं तो जो बिल बनाने के लिए जो ऑपरेटर्स हैं, जो आपके जो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल, पॉस हम उनको जो है वो हम उनको कहते हैं, जो पॉस ऑपरेटर्स होते हैं वो एक्चुअली ये करते हैं कि उनके पास एक पेन टाइप का स्कैनर होता है, और वो क्या करते हैं कि जो भी आपने चीज़ें परचेज की हैं, अगर आप उसमें देखें तो अभी अब थोड़ी देर में बार कोड को डिस्कस करते हैं, तो वो बार कोड को स्कैन करते हैं, और उसके आप देखें तो जैसे ही वो स्कैन करते हैं तो उसी वक्त ही स्क्रीन पे उस आइटम का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइस वगैरह सब कुछ सामने आ जाती है। तो फाइनली क्या होता है कि आप उसको बिल करके वो आपको बिल कलेक्ट करके आप उसको पे कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस है बिलिंग का वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और अच्छा, उसके अलावा एक और एडवांटेज क्या है कि वेदर यूज़र ऑफ सिस्टम आर नॉट प्रोफेशनल इन कंप्यूटर यूजेज, कोई भी बंदा उसको यूज़ कर सकता है, जिसको थोड़ी बहुत भी कंप्यूटर की नो हाउ हो तो वो उसको यूज़ कर सकता है।
अच्छा फॉर एग्जांपल शॉपिंग मॉल्स, बस या ट्रेन स्टेशन पे इसको जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बारकोड स्कैनर को। बारकोड स्कैनर कैसे काम करता है कि बारकोड रीडर और बारकोड स्कैनर यूज टू रीड बारकोड प्रिंटेड ऑन वेरियस सरफेसेस। अ बारकोड इज़ अ मशीन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ विजुअल फॉर्मेट ऑन अ सरफेस। तो बेसिकली हमने जैसे बात की थी कि ये जो एस टी है ये इनकोडेड फॉर्म में डाटा जो है वो रीड कर सकती है। तो ये बेसिकली ये जो बार कोड है दिस इज आल्सो इनकोडेड फॉर्म ऑफ डाटा। इसमें हम नंबर्स को बार्स में हम जो है वो इनकोड कर सकते हैं। बार कोड स्टोर डाटा इन द विड्थ एंड स्पेसिंग ऑफ प्रिंटेड पैरेलल लाइंस। टुडे दे आर आल्सो कम इन पैटर्न ऑफ ब्रॉड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हिडन विद इन इमेजेस। तो इसके डिफरेंट जो है उसकी फॉर्म है, लेकिन जो क्लासिकल इसकी फॉर्म है वो ये है कि उसमें पैलर बार्स होती हैं और ब्लैक कलर की, और उनके दरमियान वाइट स्पेसिंग होती है, और बार्स की विड्थ भी जो है वो डिफरेंट होती है, कोई ज़्यादा विड्थ होती है किसी कम होती है, और उनमें स्पेसिंग भी कम या ज़्यादा हो सकती है। बारकोड्स कैन बी रेड बाय ऑप्टिकल स्कैनर और स्कैन फ्रॉम एन इमेज बाय स्पेशल सॉफ्टवेयर। एंड मोस्ट ऑफ टाइम बारकोड रीडर इज़ अ पेन टाइप स्कैनर टू ईजिली रीड बारकोड ऑन डिफरेंट सर्फेसिस। तो ये भी जैसे आपको मैंने एक एग्जाम्पल दी थी सुपर मार्केट की, तो उसमें भी ये है कि जो आइटम्स के ऊपर जो बारकोड्स बने होते हैं तो उसके लिए भी हम पेन टाइप स्कैनर जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो बारकोड स्कैनर किस तरह से काम करते हैं, उसकी एक फॉर्म है, उसके एक डायग्राम है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये एक उसके अंदर एक लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट निकलती है एंड ये जो है ये इसको स्कैन करती है फॉर्म, आप कह सकते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इसको जो है वो स्कैन करती है। तो स्कैन करने के बाद क्या होता है कि इसमें वाइट लाइंस हैं और उसके अंदर वाइट सॉरी ब्लैक लाइंस हैं और वाइट स्पेसिंग है। तो अब ये जो वाइट और ब्लैक कलर हैं टोटली दूसरे से ऑपोजिट है। वाइट कलर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है और एब्जॉर्ब कम करता है, और इसी तरह से जो ब्लैक कलर है वो लाइट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है और रिफ्लेक्ट कम करता है। तो अब इस वजह से क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा होगा वो वाइट और ब्लैक सरफेस से टोटली डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इस वजह से इजीली रिकॉग्नाइज हो सकता है कि कौन कितनी जो है वाइट स्पेस कितनी थी और ब्लैक ब्लैक लाइंस कितनी थी। तो जब ये वापस लाइट आती है इसके ऊपर, जब इसके अंदर एक सीसीडीज लगे हुए उसके अंदर जब आती है, तो वो इस तरह से एक एनालॉग वेव फॉर्म बनती है। हम एक ए टू डी हमने बात की थी कि ए डी से हम उसे कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, उसकी मदद से हम उसको इस तरह से उसकी वेव फॉर्म चेंज करके इन टू डिजिटल फॉर्म। तो ये एक कॉन्सेप्चुअली एक बारकोड बन जाता है, और उसकी फिर डिकोडिंग जब की जाती है तो वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअली बारकोड्स का जो लिमिटेशन है वो क्या है कि ये सिर्फ नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सिर्फ नंबर इसके ज़रिए सिर्फ रिप्रेजेंट हो सकते हैं, करेक्टर्स जो हैं वो इसके ज़रिए नंबर रिप्रेजेंट जो है वो नहीं हो सकते। तो एक्चुअली जो भी एक जो भी आप बारकोड आप देखते हैं वो नंबर्स होते हैं, लेकिन नंबर्स का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, और वो डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो तीन चीज़ों को टिपिकली रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्री किस कंट्री से वो प्रोडक्ट बिलोंग करती है, और उसका मैन्युफैक्चर का कोड होता है, और उसके अलावा प्रोडक्ट का अपना ही कोड होता है। तो एक जो चीज़ है जो बार कोड पर यूज़ होती है दैट इज़ दी यूपीसी या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, हम उसको जो है वो हम उसको कहते हैं। तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड बेसिकली क्या है कि मोस्ट कॉमनली यूज बार कोड फॉर जनरल हाउस होल्ड प्रोडक्ट और इन द डेवलपमेंट कंट्रोल बाई यूसीसी यूनिफॉर्म कोड काउंसिल। एंड इसके यूपीसी सिंबल के दो पार्ट्स होते हैं, एक मशीनेबल बार कोड होता है और दूसरा ह्यूमन रीडेबल 12 डिजिट यूपीसी नंबर होता है जो उसके नीचे ही होता है। तो अगर किसी वजह से बार कोड काम नहीं कर रहा तो आप ये कर सकते हैं कि उसके नीचे जो नंबर है उसकी उसको भी इनपुट करके जो है वो उसको भी इनपुट जो है वो कर सकते हैं। तो ये इसके तीन जो है वो इसके इसके जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इसके फॉर्म है। ये क्लासिक बार कोड है और इसमें टोटल ये 12 होते हैं। तो इसमें जो पहले दो हैं जिस दिस रिप्रेजेंट्स कंट्री, फिर उसके बाद ये उस कंट्री में जो रजिस्टर्ड जो वेंडर है वो है, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट का होता है, और आखिर में ये एक एरर चेकिंग के लिए एक नंबर होता है। ये जो है इसको हम मैक्सी कोड कहते हैं, इसमें कंसेंट्रिक सर्कल और डॉट होते हैं, और ये एक डाटा मैट्रिक्स है या इसको जो है वो हम क्यूआर कोड भी कहते हैं जिसे। तो ये भी काफ़ी कॉमन है और ये भी टिपिकली काफ़ी ज़्यादा जो है ये
यूज हो रहे हैं। तो अब आस्ते आस्ते ये है कि बारकोड्स तो सिर्फ लिमिटेड हो गए, सिर्फ जो जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं या जो हमारे पास डिफरेंट है, जो आप कह लें कि जो हाउसहोल्ड प्रोडक्ट जैसे आप सोप लेते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें लेते हैं उसके ऊपर बने होते हैं। और इसके अलावा ये जो नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि ये जो QR कोड हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ होंगे। इसके अलावा जो हमने डिवाइस डिस्कस करने हैं दैट इज़ द ऑप्टल ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन या OCR हम उसको जो है वो हम उसे कहते हैं। OCR बेसिकली क्या है कि ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ट्रांसलेट इमेजेस ऑफ हैंड रिटन और टाइप रिटन टेक्स्ट यूजली कैप्चर बाय स्कैनर इन टू मशीन एडिटेबल टेक्स्ट। तो ये OCR बेसिकली करती है कि इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू ट्रांसलेट और टू इनपुट टू रीड करेक्टर्स। तो ये करेक्टर्स रीड कर सकते हैं। टिपिकली क्या होता है कि जो स्कैनर्स हैं वो सिर्फ इमेजेस उसके उनको कोई भी चीज़ हो उसको इमेज ट्रीट करते हैं, लेकिन ये जो OCR हैं ये बेसिकली करते हैं कि ये उनको उनको क्या कर सकते हैं कि ये करेक्टर्स को रिकोगनाइज कर सकते हैं। तो इसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि OCR सिस्टम अनेबल्स यू टू टेक अ बुक और अ मैगजीन आर्टिकल फीड इट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फाइल एंड देन एडिट द फाइल यूजिंग वर्ड प्रोसेसर। तो वो बजाय कि इमेज के वो आपको जो फाइनल आउटपुट मिलेगी वो एक एडिटेबल फाइल मिलेगी जिसमें टेक्स्ट होगा और आप उसको अगर उसमें कुछ चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऑल OCR सिस्टम इंक्लूड एन ऑप्टिकल स्कैनर फॉर रीडिंग टेक्स्ट एंड सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर फॉर एनालाइजिंग इमेजेस। तो दो चीज़ें इसमें होती हैं, एक स्कैनर जो कि बिल्कुल इमेजेस स्कैन करेगा और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कि एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि उन इमेजेस को एनालाइज करके उनको ना जो है वो करेक्टर्स में कन्वर्ट करेगा। मोस्ट OCR सिस्टम्स यूज अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर ऑप्टिकल स्कैनर एंड सॉफ्टवेयर टू रिकोगनाइज द करेक्टर। एडवांस OCR सिस्टम कैन रीड टेक्स्ट इन अ लार्ज वैरायटी ऑफ फॉन्ट्स बट दे स्टिल हैव डिफिकल्टी विद हैंड रिटन टेक्स्ट। तो ज़्यादा वो एक्यूरेट जो है वो होते हैं जो कि प्रिंटेड टेक्स्ट होता है। अगर हैंड रिटन टेक्स्ट होगा तो उनकी एक्यूरेसी जो है इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं होती। ये उनकी थोड़ी सी अभी वीकनेस है बिकॉज के हैंड रिटन लोगों की हैंड राइटिंग सेम कैरेक्टर्स के लिए डिफरेंट हो सकती है, तो इसलिए जो है वो ये उनकी भी जो है वो एक आप कह सकते हैं कि ये लिमिटेशन है। ओके, तो नेक्स्ट ये देखते हैं कि OCR काम किस तरह से करता है। तो पहले स्टेप में होता है कि वन स्कैनर इज अ डॉक्यूमेंट इज स्टोर इट एज एन इमेज बिटमैप इमेज इन केस ऑफ कोर्स। तो वो एक इमेज होगा सिंपली विच इज मेड ऑफ पिक्सल्स जैसे कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। द OCR सॉफ्टवेयर टेक दोज इमेजेस एंड कंपेयर इट विद द बिटमैप स्टोरेज डेटाबेस। तो इसमें क्या होता है कि क्या होगा कि लेट्स सपोज कि उसने कैरेक्टर रिक्रिएट किया ए जस्ट लाइक दिस। तो ये फॉर फॉर कंप्यूटर इज जस्ट एन इमेज, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसकी शेप क्या है, दिस इज एन इमेज। तो अब कंप्यूटर क्या करेगा कि इसी तरह का एक करेक्टर जो है वो OCR जो सॉफ्टवेयर है उसके अपने एक डेटाबेस में भी होगा। तो उसने ये करना है कि इन दोनों को कंपेयर करना, एक्चुअली कि अभी कह लें कि उसको हम पिक्सल बाय पिक्सल कंपैरिजन जो है वो इनका करना है। तो सिंपली क्या होगा कि पहला पिक्सल है इसका कंपैरिजन पहले पिक्सल के साथ होगा, फिर नेक्स्ट पिक्सल के साथ, नेक्स्ट पिक्सल के साथ। तो नॉर्मली स्क्वेयर शेप में जो है ये इमेज होते हैं लाइक दिस वन। तो इसमें क्या होगा कि इन दोनों का पिक्सल बाय पिक्सल कंपैरिजन होगा, अगर ये मैच कर रहता है तो इसका मतलब है कि दिस इज द करेक्टर, अदरवाइज ये जो है ये अगले किसी और करेक्टर की तरह जो है वो फिर उसको और देखेगा। इन पिक्सल टू पिक्सल कंपैरिजन उसको मैट्रिक्स मैचिंग कहते हैं। तो ये जो अभी मैंने आपको मेथड बताया नेम ऑफ दिस मेथड इज मैट्रिक्स मैचिंग, जिसमें कि एक पिक्सल का कंपैरिजन उसी जगह पे मौजूद दूसरे पिक्सल के साथ होता है। तो अगर ये पिक्सल इस तरह से मैचिंग होती रहे तो इसमें सेम पिक्चर और सेम करेक्टर। सॉफ्टवेयर मस्ट ऑल पॉसिबल करेक्टर शेप्स एंड साइजेस। तो उसके पास जो है वो उसके पास हर जो पॉसिबल करेक्टर्स हैं वो उसके पास जो है वो मौजूद होते हैं, और इसलिए जो है वो ये डिफरेंट शेप्स में हो सकते हैं। जैसे मोस्टली जो भी प्रिंटेड
टेक्स्ट में जितने भी फ़ोन टाइप्स हैं वो सारे के सारे जो है वो सॉफ्टवेयर के पास मौजूद होंगे। तो ये इस वजह से इसमें इसको कंपेरिजन करने में जो है वो आसानी रहेगी। इस सम कैटर रिकोगनाइजेबल इट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन जो है वो मैट्रिक्स मैचिंग से थोड़ा डिटेल प्रोसेस है। उसमें हो सकता है कि कोई करेक्टर जो है वो मिस प्रिंट हुआ होता है और वो फुल पूरा पूरा प्रिंट नहीं हुआ होता, तो उस सूरत में क्या होता है कि फिर फीचर एक्सट्रैक्शन की जाती है। देखा जाता है कि इस करेक्टर के कितने परसेंट पार्ट जो हैं वो किसी करेक्टर के साथ मैच हो रहे हैं, तो फिर उसको फिर रिजल्ट के तौर पे उस करेक्टर के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है। अनरिकॉग्नाइजेबल करेक्टर्स आर रिप्लेस बाय स्पेशल करेक्टर्स जैसे टिल्डा साइन है, हैश साइन है, इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं। एंड फाइनली OCR सॉफ्टवेयर रन स्पेलिंग चेक। अब क्या होता है कि फाइनली बेसिकली ये करना होता है कि एक वर्ड फाइल क्रिएट हो चुकी होती है, उसकी नॉर्मली जो है वो उसकी एक्सटेंशन जो है, अगर आप तो प्लेन टेक्स्ट फाइल लेना चाहते हैं तो उसकी एक्सटेंशन वर्ड की फाइल होगी तो उसकी एक्सटेंशन डॉट डॉट DOC होगी। तो उसमें क्या होगा कि वो पूरा जो है वो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होगी। अच्छा, तो उसके बाद जब ये सारा ये स्टेप कंप्लीट हो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फाइनली OCR सॉफ्टवेयर करता है कि स्पेलिंग चेक रन करता है, क्योंकि नॉर्मली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो उसमें उसने ये करना है कि जो अगर मज़ीद कोई ऐसे करेक्टर हैं जो कि मतलब सही नहीं हुए हैं, या जैसे अगर देखें कि हमने यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है तो मिस रीड हो गया, ये ई की जगह पे ओ आ गया है, तो अब जब स्पेल चेक मिस हो गया तो ये जो मिस्टेक है खुद बखुद ही जो है करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह की जो तो मिस्टेक्स हैं वो भी हम करेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली हमारे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट गया वो आएगी जो काफ़ी हद तक जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ मिलती जुलती होगी। सो दिस इज़ द वे जिस तरह से OCR सॉफ्टवेयर काम करता है। और इसकी जो एक लिमिटेशन है वो ये है कि ये जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ तो अच्छा काम करेगा, लेकिन जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं मे भी उनके साथ कोई इतना इसका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं होंगे। लेकिन ये है कि इस पर वर्क जारी, होपफुली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नियर फ्यूचर में हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होंगे जो कि हैंड राइटिंग भी जो है वो भी रिकोगनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट डिवाइस हमने डिस्कस करनी है, दैट इज़ द ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, या OMR कहते हैं। ये भी इसी तरह से एक स्कैनर ही है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन आल्सो नोन एज ऑप्टिकल मार्क रीडर और OMR इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग ह्यूमन मार्क डाटा फ्रॉम डॉक्यूमेंट फॉर्म सच एज सर्वेज एंड टेस्ट। डाटा इज कैप्चर्ड बाई कंट्रास्टिंग रिफ्लेक्टिविटी एट प्री डिटरमिन्ड पोजिशन ऑन अ पेज एंड बाई शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट ऑन टू द डॉक्यूमेंट। द स्कैनर इज एबल टू डिटेक्ट अ मार्क्ड एरिया बिकॉज इट इज मोर रिफ्लेक्टिव देन एन अनमार्क्ड एरिया सरफेस। सम OMR डिवाइसेस यूज फॉर्म विच आर प्री प्रिंटेड ऑन टू ट्रांस ऑप्टिक पेपर एंड मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट पासिस थ्रू द पेपर, दस अ मार्क ऑन ईदर साइड ऑफ द पेपर विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पेपर। अच्छा, ये क्या है कि इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होगी और ये आपने अगर मोस्ट प्रॉब्ली आपको एक्सपीरियंस होगा कि अगर आपने ई कैट या एम कैट के एग्जाम अगर आपने दिए होंगे तो उसमें जो है इसी तरह का एक यूज होता है। उसमें क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, साथ साथ आपको आंसर शीट दी जाती है, और उसमें जैसे एक क्वेश्चन नंबर वन है और उसके साथ आपके पास ये ऑप्शन है ABCD और इसके साथ यहाँ पे सर्कल होते हैं। इंस्ट्रक्शन ये होती हैं कि आपने ये करना है कि जो इसमें से करेक्ट आंसर है उस सर्कल को आपने डार्क कर देना। अब ये दो तरह से काम करता है। पहला तरीका इसका ये है कि आप हमने एक्चुअली ये करना है कि एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। पैटर्न में क्या होगा कि इसमें आप देखें कि ये एक पैटर्न है जिसमें ये क्वेश्चन नंबर वन के लिए जो सेकंड सर्कल है वो डार्क है, लेकिन अभी हमें कैसे पता चलेगा कि सेकंड सर्कल जो है वो डार्क है। उसके दो तरीके हैं। एक तरीका अगर ये है जो पहला है कि हम इसको ज़्यादा रिफ्लेक्टिव बना दें, यानी कि इन इन सर्कल से जो है जो फील्ड नहीं है वहाँ से लाइट कम रिफ्लेक्ट होकर वापस आए और यहाँ से जो फील्ड है वहाँ पर लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट होकर वापस आए। ये हम कर सकते हैं। आमतौर पर इसके लिए जो है वो 2B की पेंसिल जो है वो यूज़ की जाती है, तो हम उससे पेंसिल के साथ इसको फिल कर देते हैं और उससे क्या होता है कि ये ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हो जाता है। दूसरा मेथड ये है कि इसको दूसरों से कम एक ख़ास तरह के पेपर यूज़ करते हैं जिसको कि हम ट्रांस ऑप्टिक पेपर कहते हैं।
ट्रांसऑप्टिक पेपर बेसिकली क्या होता है कि इसके लाइट इसके आर पार गुजर सकती है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको डार्क कर देंगे किसी मदद से, पेन की मदद से, इंक की मदद से। उससे क्या होगा कि इन ये जो सर्कल में जो फील्ड है यहाँ से तो लाइट जो है वो इजीली गुजर जाएगी, लेकिन जो फील्ड होगा वहाँ से लाइट जो है वो नहीं गुजरेगी, वो ब्लॉक हो जाएगी। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि चार सर्कल में से कौन सा सर्कल जो है वो डार्क है। तो ये दो तरीके हैं जिसकी मदद से हम इस पैटर्न को रीड कर सकते हैं। जिस तरह से ये देखें, ये रीडेबल पेपर है और आप देखेंगे इसमें ये बेसिकली एक उन्होंने कहा है कि आप किस तरह से डाटा जो है वो इनपुट कर सकते हैं। तो और इसके लिए जो डिवाइस यूज होती है दैट इज़ एन ओमर रीडर, ये बेसिकली एक शीट फेड किस्म का स्कैनर होता है। तो एक साइड से शीट्स जो है वो फेड की जाती है, दूसरी साइड से जो है वो स्कैन होकर बाहर आ जाती है और ये प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से जो है वो कम्प्लीट होता है। तो उसके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होती है जो कि इस तरह का शीट्स हैं, इस तरह के पेपर से जो है डाटा जो है वो रीड कर सकते हैं। इनके काफ़ी ज़्यादा यूजेज हैं, उसको हम देखते हैं। रिसर्च में यूज़ हो सकते हैं कि आप एक ऑप्शन दे दें, जैसे रिसर्च में होता है कि भी अगर आप अपने ओपिनियन लेनी है तो आप उनमें से लिखा होगा कि सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, नो ओपिनियन, इस तरह से। आमतौर पर वो 5 लेवल होते हैं, तो उनमें से आप जिससे जिससे आप सेटिस्फाइड हैं तो उस सर्कल को, या नहीं सेटिस्फाइड है तो उस सर्कल को आप डार्क कर सकते हैं। सर्वेज में यूज़ होते हैं, कंज्यूमर सर्वेज में, टेस्ट और सेसमेंट में, जैसे अभी आपको मैंने एम कैट और वी कैट की एग्जाम्पल दी थी। एवेल्यूशन या फीडबैक्स हैं वहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, डेटा कंपाइलेशन में यूज़ हो सकते हैं, प्रोडक्ट एवेल्यूशन में यूज़ हो सकते हैं, टाइम शीट्स एंड इन्वेंट्री। बेसिकली इन सब का ये है, अगर आप एक कॉमन इन सब में ट्रेंड देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो प्री डिफाइंड रिस्पॉन्सेज होते हैं, यानी कि जो रिस्पॉन्सेज हैं हमने उन ऑप्शन में हमारे पास उन्हीं में से कोई ना कोई जो है वो चूज़ करना होता है। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन फॉर्म और लॉटरी वोटिंग, इसके लिए जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो ये सारे के सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि जिसमें प्री डिफाइंड हमारे पास डाटा होता है, हमने उन ऑप्शन में से ही हमने को चूज़ करना है, हम अपनी तरफ से कोई ऑप्शन जो है वो नहीं दे सकते। जियो कोडिंग, पोस्टल कोड वगैरह, ये उसकी फॉर एग्जाम्पल है। फाइनली जो हमारी ये जो एस टी डिवाइसेज हैं, इसमें है मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकोजिशन, और ये एक डिवाइस है जो कि स्कैनर नहीं है। तो पहली तीन डिवाइसेज हमने पढ़ी हैं वो स्कैनर की ही मॉडिफिकेशन थी, ये स्कैनर नहीं है। एंड बेसिकली ये जो है ये टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम डिवेलप भी बैंकिंग के लिए जो की हुई थी। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो अगर आपको बैंक के जो चेक्स होते हैं उनको देखने का इतफाक हुआ, तो अगर आप उसके नीचे वाली साइड पर देखें तो आपको इस तरह से कुछ नंबर्स लिखे हुए नजर आएंगे। बेसिकली उसमें क्या होता है कि उसमें जो डाटा होता है उसमें एक बैंक का कोड होता है, बैंक कोड होता है, इसके अलावा जो है वो ब्रांच का कोड होता है, और उसके अलावा एक अकाउंट नंबर होता है, जो कस्टमर है उसका अकाउंट नंबर होता है। ये सब चीज़ इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। तो अगर आप इन करेक्टर्स को गौर से ज़रा देखें तो आप देखेंगे उनके शेप में काफ़ी डिफरेंस है, जैसे 1 है 2 है तो 3, और ये काफ़ी इस तरह से है कि करेक्टर्स टोटली एक दूसरे से रिकॉग्नाइजेबल हैं। 7 की शेप देखेंगे तो एक स्पेसिफिक एक आप कह लेंगे फोन है। तो एक्चुअली इसकी वजह क्या थी कि अमेरिका बैंकर एसोसिएशन ने 1956 में इंट्रोड्यूस करवाया था, और 1963 तक जो है तकरीबन ये ज़्यादातर बैंक जो है उसको यूज़ कर रहे थे। तो इसका पर्पज़ ये होता है कि जब चेक प्रोसेस होने के लिए जाता है तो उस वक्त जो है ये जो निचले हिस्से में जो होता है आमतौर पर यहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर कुछ लिखे ना, यहाँ पर स्टैम्प्स वगैरह ना लगे। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी ये सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे अभी ये आपको बताया कि इसमें जो है वो ये जो हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये जो है ये ऑटोमेटिकली एक MICR स्कैनर होता है, तो उसमें से जब गुजरती है तो ये सारी इंफॉर्मेशन खुद ब खुद ही जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो है वो फीड हो सकती है। वर्किंग इसकी कैसे होती है, तो ये आप देखें कि ये क्या MICR स्कैनर, ये इसके अंदर से जो है सबसे पहले क्या होता है कि इसका स्पेशल टाइप फेस है, ये जो फॉन्ट है ये स्पेशल किस्म का एक
और ये जो है वो इसको एक मैग्नेटिक एक डिवाइस के जरिए हम इसको रीड कर सकते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल जो है वो जो टेप रिकॉर्डर का हेड है उसके जैसी होती है। तो ये जो इसको इसके लिए जो स्पेशल इन करेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए स्पेशल मैग्नेटिक इंक या टोनर जो है वो यूज़ होता है कि जिसके अंदर आयरन ऑक्साइड जो है वो मिला हुआ होता है। तो अब जैसे ही जो है वो ये करेक्टर ये जो चेक है ये इस मशीन में शुरू होता है, तो वो जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक हेड है वो उन करेक्टर्स को रीड करके उस डाटा को रीड करके कंप्यूटर में फीड कर देता है। तो हमने उसकी जो एक शेप रखी है वो इस तरह से रखी हुई है ताकि जो उससे जो वेव फॉर्म प्रोड्यूस हो, जो उससे करंट प्रोड्यूस हो, वो इतना डिफरेंट हो कि हमें पता चल सके कौन सा नंबर जो है, जो नंबर हम उनमें डिफरेंशिएट इसीलिए कर सकें। तो इसीलिए जो है वो उसको उसकी एक स्पेसिफिक शेप जो है वो बनाएंगे, और आमतौर पर जो नंबर्स का जो टाइप फेस यूज होता है उससे वो डिफरेंट होता है। ये भी एक ये दो जो हैं ये एक्चुअली दो डिफरेंट टाइप के डिवाइसेज हैं जो कि चेक प्रोसेसिंग के लिए जो है वो यूज़ की जाती हैं, और इसकी मदद से जो है वो हम ये बैंक्स नॉर्मली जो है यूज़ करते हैं, इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी है ये स्पेसिफिकली जो है वो बैंक्स में भी यूज़ होती है। अच्छा, ये हमने देखते हैं जैसे स्मार्ट कार्ड बेसिकली क्या है कि ये इसको हम चिप कार्ड भी कहते हैं या आईसी कार्ड भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड, इस पॉकेट साइज कार्ड विद एम्बेडेड इंटीग्रेटेड सर्किट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो है एक छोटा सा एक सर्किट इसके अंदर जो है ये प्लास्टिक का बेसिकली कार्ड होता है, और इसके अंदर जो है वो एक जो है वो एक आप ये कह सकते हैं कि एक छोटी सी चिप लगा के उसके अंदर डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन कस्टमर से रिलेटेड जो है वो स्टोर होती है, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन के ऑथेंटिकेशन और डाटा स्टोरेज के जो है वो काम आती है। उसके जो टाइप्स हैं उसमें दो तरह के होते हैं, एक कॉन्टेक्ट स्मार्ट कार्ड होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कार्ड और जो रीडर है उसके अंदर मैंने फिजिकल कॉन्टेक्ट होना जो है वो ज़रूरी है, पर एक हमारे पास कॉन्टेक्टलेस स्मार्ट कार्ड होते हैं, तो उसमें जस्ट क्या होता है कि हम बजाय कि उसको फिजिकली टच करने के जस्ट उसके उसके करीब लाते हैं कि जस्ट फ्यू सेंटीमीटर उसके क्लोज लाते हैं, तो वो जो कार्ड जो है उससे डाटा जो है वो रीड हो जाता है। इसके एप्लीकेशंस के हैं एटीएम्स पे यूज़ होते हैं, फ्यूल कार्ड्स, मोबाइल फोन एक्सेट्रा, ये सारी जो है ये बेसिकली स्मार्ट कार्ड हैं। पब्लिक ट्रांजिट ट्रेवल कार्ड्स वगैरह जो हैं, हेल्थ कार्ड्स हैं, ये इसके डिफरेंट जो है एग्जाम्पल हैं। इसके एडवांटेज क्या हैं कि ये बहुत कन्वीनियंट है, और बहुत सारी कंट्रीज में से जो है जैसे हांगकॉन्ग में जो है वो उसमें एक ऑक्टोपस कार्ड जो है वो इस्तेमाल होता है। ऑक्टोपस कार्ड जो है वो बेसिकली उसका बहुत ज़्यादा फायदे हैं, इसमें होता है कि मोस्टली वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि इसमें बैलेंस डलवा लेते हैं कैश या कार्ड के जरिए, और उसके बाद ये वहाँ पे बसेस में मेट्रो जो उनके है उसमें, और इसके अलावा दुकानों पे भी आप इसको शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड वगैरह उसकी एक रिप्लेसमेंट के तौर पर जो है वो यूज़ हो सकता है। मोबिलिटी इसका फ़ायदा ये है कि जैसे अभी आप ऑक्टोपस की आपने एग्जाम्पल दी, तो इसमें भी है कि वो एक ही कार्ड है और वो डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है वो ये है कि ये जो है बहुत सारे ऐसे हैं कि जैसे एक ही कार्ड को आप बस में भी यूज़ कर रहे हैं, उसी को मेट्रो में भी यूज़ कर रहे हैं, और बाज़ कंट्रीज में फेरीज़ वगैरह चलती हैं तो फेरीज़ में भी यूज़ हो रहे हैं। सिक्योरिटी भी किसी हद तक इसमें हो जाती है क्योंकि अगर एडवांस ट्रैवल का है तो उसमें जैसे एटीएम कार्ड है तो उसमें आप जो है वो यूज़र की सिक्योरिटी को भी कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मल्टीपिसिटी यूज़ ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये ड्यूरेबल होते हैं, इतने जल्दी ख़राब भी नहीं होते। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये कि एक ही कार्ड डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ हो रहा है, और इकोनॉमी हम इस तरह से कहते हैं कि हमें जैसे पेपर टिकट्स हैं तो पेपर टिकट्स हमें बहुत ज़्यादा प्रिंट करने पड़ेंगे, पेपर बहुत वेस्ट करना पड़ेगा, तो इसमें जो है वो हमें ये भी फ़ायदा हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इसका पहला है कि ये थेफ्ट इसकी चोरी हो सकती है, वल्नरेबल टू थेफ्ट, तो इसका ये होता है कि जैसे जो है वो एटीएम कार्ड या जो ट्रैवल कार्ड खास तौर पर हैं तो उसमें कभी उसमें वो खास जो है वो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती की जाती, और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर वो चोरी हो गया तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते, गुम गया तो कुछ नहीं कर सकते।
रिस्क ऑफ वायरस, डिजिटल थेफ्ट, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन चाहे तो, क्योंकि बास कॉन्टैक्टलेस कार होते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअल डिवाइस के दरमियान में कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं होता, तो उसके जरिए क्या होता है कि जो अगर कोई डिवाइस है अगर आपके पास जिससे कि आप डेटा रीड कर सकते हैं, तो जस्ट अगर आपके वॉलेट में है और आपके मेट्रो में या बस में सफ़र कर रहे हैं तो वो उसको जो है वो डिवाइस की वजह से रीड किया जा सकता है। रफ हैंडलिंग का मतलब ये है कि अगर किसी की हाथ लग जाए तो उसको मिसयूज कर सकता है। ये एक एग्जांपल है कॉन्टैक्ट स्मार्ट कार्ड के, ये एक रीडर है उसका, इसे ये रीडर और ये कार्ड है, और इसी तरह से कॉन्टैक्टलेस कार्ड है, इसमें हम देखेंगे ये डिस्टेंस है थोड़ा सा, ये इसको मतलब इसमें ये है कि टच करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपने इसको जो है वो उसके क्लोज लाना एंड दैट्स इनफ, ये काफ़ी है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमने डिवाइस डिस्कस करनी दैट इज़ ए डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज़ यूज टू कैप्चर एंड स्टोर फोटोग्राफ्स इलेक्ट्रॉनिकली इन डिजिटल फॉर्मेट। इंस्टेड ऑफ यूजिंग फोटोग्राफिक फिल्म लाइक कन्वेंशनल कैमराज और रिकॉर्डिंग इमेजेस ऑन एन एनालॉग फॉर्मेट टू मैग्नेटिक टेप लाइक मैनुअल वीडियो कैमराज, मॉडर्न कंपैक्ट डिजिटल कैमरा आर टिपिकली मल्टी फंक्शनल विद सम डिवाइसेज कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग साउंड और वीडियो एज वेल एज फोटोग्राफ। अच्छा, तो काम कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली इसमें इसके जो ये एक्चुअली जो पुराने जो फिल्म बेस्ड जो कैमराज थे उन्हीं की ही एक अभी कह सकते हैं कि कह सकते हैं उसकी मॉडर्न फॉर्म है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो पुराने कैमरा थे उसमें ये जिस तरह के पीछे सीसीडी लगी हुई है तो इनकी जगह पे एक फोटोग्राफी फिल्म होती थी, तो जब लाइट जब एक्सपोज की जाती थी तो उसका जो इमेज है वो उसके ऊपर सेव हो जाता था। यहाँ पे अब ये है कि जो लाइट है, दिस इज़ लाइट कमिंग थ्रू दिस लेंस, और इस लेंस से जब शटर को उसको प्रेस किया जाता है बटन को, तो शटर के जरिए जो लाइट है वो इस सीसीडीज पे गिरती है, और ये सीसीडीज जैसे हमने स्कैनर में देखा था तो इस जो जितनी भी लाइट गिरती है उस लाइट को करंट में कन्वर्ट कर देते हैं ये, लेकिन ये करंट जो है ये एनालॉग फॉर्म होता है, दिस इज एनालॉग करंट, ये जो है ये एनालॉग करंट है, और इसको फिर हम एक करंट से हम इसको सर्किट में गुजारते हैं जिसको हम EDC कहते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और ये क्या करता है कि इसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। उसके अलावा ये हमारे पास एक और सिग्नल, एक और सर्किट होता है जिसको हम बोलते हैं DSP, या जिसको आप कह सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग जो है वो इसको कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग क्या है कि हम इसमें आमतौर पर इमेज में नॉइज़ होता है, तो ये नॉइज़ से हमारी मुराद ये है कि वो समटाइम दो टेक्निकल टर्म इसमें यूज़ की जाती हैं कि समटाइम इमेज है वो ओवर एक्सपोज होता है या अंडर एक्सपोज होता है। ओवर एक्सपोज का मतलब ये है कि उसमें जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अंडर एक्सपोज का मतलब ये है कि उसमें अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो कम होती है, जैसे शाम के वक्त नॉर्मली होता है। तो ये DSP के जरिए कर सकते हैं कि उसकी जो जो इस तरह के जो ये नॉइज़ है बेसिकली लाइट का बहुत ज़्यादा होना या बहुत कम होना, या सडनली किसी वजह से लाइट या कोई ख़ास कलर की कोई ज़्यादा हो जाना, तो ये उसको जो है बैलेंस कर सकते हैं। और फाइनली क्या होता है कि ये बेसिकली इसके अंदर स्टोरेज है, चिप्स हैं, तो यहाँ पे ही ये डाटा जो है स्टोर हो जाता है, बाद में आप उसको कंप्यूटर में जो है वो आप उसको सेव कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो पुराने जो कैमरास थे प्लास्टिक के जो कैमरास थे उसमें ये क्या होता था कि पहले इमेज को जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म पर सेव किया जाता था, फिर उसको वो डेवलप करवा के फिर उसकी प्रिंटिंग होती थी, और अगर आपने कंप्यूटर में सेव करना है तो फिर उसको स्कैन करके फिर कंप्यूटर में सेव करें। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो है वो हम डायरेक्टली उस इमेज को जो है वो कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में सेव कर सकते हैं, और अगर प्रिंट करने की ज़रूरत है तो हम उसको ईजीली जो है उसे प्रिंट भी करवा सकते हैं, वो भी कोई इतनी इशू वाली बात जो है वो नहीं है। अच्छा, ये वर्किंग जो है वो सारी मैंने एक्सप्लेन जो है वो कर दी है, जस्ट इसको जो है वो इस एक दो गो थ्रू कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसको सेव करते हैं, और इसमें जो है वो चार्ज कपल डिवाइसेज होते हैं, बेसिकली फोटो सेल में जो कि लाइट को करंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और नॉर्मली क्या होता है कि जो एक फोटो साइट या एक फोटो सेल है वो एक सिंगल पिक्सल के तौर पर काम कर रहा होता है, और ये जब इसके ऊपर फोटो साइट के ऊपर ये सेल लाइट गिरती है तो करंट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो जो माइन जो अमाउंट ऑफ करंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितनी लाइट जो है कितनी इंटेंस थी। एनालॉग करंट इज कन्वर्टिंग टू डिजिटल फॉर्म
ऑर्थो एंड अनऑर्थो डिस्ट्रक्ट कन्वर्टर ये भी हमने देख लिया था। EDC टाइप्स टिपिकली ये चार टाइप्स के होते हैं। इसमें जो ये एक कम्पैक्ट डिजिटल लेंस है, ये रिट्रैक्टेबल इसमें लेंस यूज होता है और ये कैजुअल यूज के लिए ठीक है। इतना टेक्निक इजी टू यूज है, लेकिन जो है ये आप इसे कह सकते हैं कि इट्स नॉट वेरी, इसकी क्वालिटी जो है वो इतनी कोई अच्छी नहीं होती है। इस तरह से ये ब्रिज कैमराज है, हाई एंड कैमराज है, ऑटो फोकस टू सम एक्सटेंट है, DSLR, तो ये भी इसी तरह से इससे बेहतर है, ये वाला जो है इससे भी ज़रा बेहतर है। और फिर ये सबसे जो अच्छा है इसमें, जो इसको सबसे अच्छा टेक्निकली समझा जाता है, विच इज़ DSLR। DSLR स्टैंड फॉर डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। तो ये इसकी एक डायग्राम है। बेसिकली ये जो कन्वेंशनल कैमराज हैं उन्हीं का ही उसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो आप कह सकते हैं कि ये है। और इसमें यह होता है कि इसकी इसकी जो इमेज क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। मोस्टली जो प्रोफेशनल जो है जो जो काम करते हैं वो DSLR कैमराज को जो है वो ऊपर प्रेफर करते हैं। और ये हमारे पास स्मॉल डिजिटल कैमरा जो कि मोबाइल फ़ोन प्लस कैमरा है आप कह सकते हैं। वैसे तो आजकल मोबाइल फ़ोन जैसे हैं उनमें उनके जो कैमराज की रेजोल्यूशन है बहुत अच्छी है, लेकिन उसका भी एक एडिट एक है कि मोबाइल फ़ोन भी है और एक कैमरा भी है, दोनों चीज़ें जो है उसमें। तो इन सब कैमराज में नॉर्मली जो सबसे एक्सपेंसिव है ये DSLR है। उसके बाद फिर ये दोनों आते हैं, जैसे इसको आप नंबर टू के जैसे वन पे कह सकते हैं, ये नंबर टू पे हैं, ये भी कैमरे के नंबर टू पे, ये ज़रा सस्ते मिल जाते हैं। जैसे कि मोस्ट चीपेस्ट जो है वो डिजिटल कैमरा जो है ये रेजोल्यूशन देख लें इसमें, क्योंकि कैमरा की जो क्वालिटी है वो टिपिकली देखी जाती है कि उसकी रेजोल्यूशन कितनी है। और हमने देखा था कि रेजोल्यूशन हम इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं कि इंटू हॉरिजॉन्टल इंटू वर्टिकल पिक्सल, लेकिन हम इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करें और उसके बाद इसको 1 मिलियन से डिवाइड कर दें तो वो मेगा पिक्सल में जो है उसकी रेजोल्यूशन आ जाएगी। और ये जो ये फर्स्ट जो 1 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन है, और अभी देखेंगे सिंपली इसमें क्या है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जो है वो 1 मिलियन से डिवाइड कर दें। ये 2 मेगा मिलियन 2 मेगापिक्सल कैमरा है, 16,000 x 1200 इसकी रेजोल्यूशन है। फिर उसके बाद ये 4 मेगापिक्सल कैमरा है, और जितनी रेजोल्यूशन बढ़ती जाएगी, जैसे ये जो है इसे 11 मेगापिक्सल कैमरा है, तो इसका मतलब है कि आप उसमें उतनी अच्छी क्वालिटी का इमेज जो है वो आपको मिलेगा और उसमें उतना बड़ा जो है वो प्रिंट जो है वो इस इमेज का जो है वो आप ले सकते हैं। जैसे अगर इस इमेज में देखें तो ये 1 मेगापिक्सल कैमरे का इमेज है, जैसे जस्ट लाइक दिस। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे इसी इमेज को, इस वाले को, तो उससे क्या होगा कि इसमें पिक्सलेशन शुरू हो जाएगी, यानी कि पिक्सल विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो अब इसमें अगर इस साइज़ में रखेंगे तो फिर तो ये ठीक है, लेकिन अगर इससे साइज़ जो है वो बड़ा करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसमें उसकी जो है वो उसकी रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन जो कितनी ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पिक्सल जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर पिक्सल विजिबल नहीं है, और अगर इसका साइज़ बड़ा करेंगे इमेज का, इसको एक्सपेंड करना चाहेंगे, तो फिर इसके पिक्सल जो है वो बड़े होना शुरू होंगे। तो जैसे जस्ट कहने के 5 मेगापिक्सल तक जो है इसमें शो होगा। ओके, तो नेक्स्ट प्राइस ऑफ दे डिस्कस करने दैट इज द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज वॉइस इनपुट के लिए हम इसको यूज करते हैं, क्वाइट अंडरस्टूड। एंड इसको माइक या माइक इसका कह देते हैं, इससे एक्यूस्टिक टू इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस होती है कि जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इस केस में क्या है कि माइक्रोफोन क्या कर रहा है कि इस कन्वर्टिंग साउंड टू इलेक्ट्रिक करंट। और माइक्रोफोन का यूज इन मेनी एप्लीकेशन, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर्स, हियरिंग एड्स, मोशन पिक्चर प्रोडक्शन, लाइव एंड रिकॉर्डिंग, ऑडियो इंजीनियरिंग, इन रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, इन कंप्यूटर्स फॉर रिकॉर्डिंग वाइज। तो टिपिकली यही एक ऐसी डिवाइस है जिसकी वजह से आप वॉइस रिकॉर्ड जो है वो कर सकते हैं। काम कैसे करते हैं इसके जो है वो बहुत इसकी जो बेसिक टाइप है उसको हम कहते हैं डायनेमिक माइक्रोफोन, हम इसे कहते हैं। और डायनेमिक माइक्रोफोन एक्चुअली इसकी जो वर्किंग का प्रिंसिपल है वो बिल्कुल जो है वो ह्यूमन एयर की तरह, जैसे इंसान का कान जिस तरह से काम करता है, जिसमें एक डायफ्राम होता है बेसिकली, वो एक अभी कह सकते हैं कि एक
एक सेंसिटिव एक परत होती है या एक लेयर होती है जो कि साउंड वेव के स्ट्राइक करने से वो वाइब्रेट करती है। एंड अ कॉयल दिस इज रोल्ड ओवर अ परमानेंट मैग्नेट। डायफ्राम बेसिकली कहते हैं इट्स अ कॉयल, ये एक कॉयल है जो कि एक परमानेंट मैग्नेट के ऊपर रोल हुई होती है। एंड व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक ऑन द डायफ्राम इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ, एंड डायफ्राम ऑल्सो सेट्स इन टू मोशन कॉयल अटैच टू इट, एंड द कॉयल इज ड्राइविंग इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, एंड मोशन ऑफ द कॉयल इन द मैग्नेटिक फील्ड कॉजेस द करंट टू फ्लो इन द कॉयल व्हिच इज द इंड्यूस करंट। दिस करंट इज एनालॉग फॉर्म, सो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कन्वर्ट्स इट टू डिजिटल फॉर्म। तो ये एक डायनामिक माइक्रोफोन है, तो ये बेसिकली ये जो हम देख रहे हैं दिस इज द डायफ्राम, ये जो है ये डायफ्राम है। तो साउंड वेव इसके ऊपर आगे स्ट्राइक करती है, इसके साथ एक कॉयल अटैच है और ये जो कॉयल है ये जो है ये मैग्नेट के ऊपर जो है लिपटी हुई होती है। तो जब इसके ऊपर आके जो है वो साउंड वेव स्ट्राइक करती है तो ये डायफ्राम मूव करता है और इसके मूव करने से ये जो है ये कॉयल जो है ये बैक एंड फोर्थ मूव करती है। और ये जब ये एक ये जो कॉयल है ये एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा विच इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू दी इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। तो जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इसकी जो है वो तो जितनी इसकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ये बैक एंड फोर्थ मूव करेगी उतना ही ज़्यादा जो है करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये करंट जो एनालॉग फॉर्म में होता है तो हम एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सर्किट यूज़ करते हैं जो कि इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एक और तरह के माइक्रोफोन है, इसको कंडेंसर माइक्रोफोन कहते हैं। इट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। इतने ही फिर इसमें आपने इस टाइप के कैपेसिटर्स जो पड़े हुए हैं जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं और इन दोनों को जो है वो बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और अब इसमें जो करंट जो इसके अंदर होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि ये इनमें करंट स्टोर होता है दरमियान में इसके अंदर जो है वो सिर्फ जो है इसके अंदर जो है वो इसके अंदर हवा होती है जो कि इंसुलेटर के तौर पे काम कर रही होती है। अब इस कैपेसिटर ये बेसिकली कैपेसिटर एक चार्ज होने डिवाइस होती है, तो इस वजह से क्या होता है कि इसके ऊपर जो करंट इसके ऊपर स्टोर है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि ये डिस्टेंस कितना है ये जो दोनों प्लेट्स के दरमियान में। जो जब डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कम या ज़्यादा होती है। और बेसिकली इसमें हमें एक जो है वो हमें एक एक सेल यूज़ करने पड़ते हैं, पावर सोर्स यूज़ करना पड़ता है ताकि जो है वो इस इन प्लेट्स को चार्ज कर दिया जाए। तो जब ये प्लेट्स एक्चुअली एक प्लेट फिक्स होती है और एक प्लेट को जो है वो हम डायफ्राम के तौर पर यूज़ करते हैं और वो जब वो उस वक्त मूव करती है जब साउंड वेव इसके साथ आके स्ट्राइक करती है। तो जब वो मूव करती है तो उसके बैक एंड फोर्थ मूव करने से इसकी कैपेसिटेंस कम या ज़्यादा होती है और जो एक्स्ट्रा जो इसके अंदर जो चार्ज होता है वो चार्ज जो है वो इसके अंदर वो जो है वो करंट सर्किट में फ्लो करना शुरू कर देता है विच इज एक्चुअली दी जो है वो एक्चुअली जो हमारा साउंड वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एक्स डायफ्राम वन द अदर इज हेल्ड स्टेशनरी एंड साउंड वेव स्ट्राइक द डायफ्राम एंड मूव इट बैक एंड फोर्थ। कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चेंजेस बाय चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड वन डायफ्राम इज मूव बैक एंड फोर्थ करंट फ्लोज इन द सर्किट। तो ये है, देखिए कि ये बैक प्लेट है फ्रंट प्लेट है, तो बैक प्लेट फिक्स होती है लेकिन फ्रंट प्लेट जो फ्लेक्सीबल होती है इट कैन मूव, ये डायफ्राम के तौर पर काम कर रही थी। तो इसमें भी हमने एक बैटरी भी लगाई हुई है फॉर पावरिंग, जो उसमें एक्चुअली इसमें चार्ज जो उसको चार्ज करने के लिए कैपेसिटर उसको यूज़ होती है। तो जैसे ये बैक एंड फोर्थ ये मूव करती है तो जो करंट है जो एक्सेसिव करंट है वो करंट सर्किट में फ्लो करना शुरू कर देते हैं विच इज़ आवर ऑडियो सिग्नल। और अगेन वो एनालॉग फॉर्म में होता है ना, हम उसको जो है एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सर्किट की वजह से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके टाइप में कार्बन माइक्रोफोन है विच आर द ओल्डेस्ट यूज टेक्नोलॉजी यूज इन एवरी फोन, क्वाइट लार्ज एंड हैवी। और उसके अलावा क्या होते हैं, रिबन माइक्रोफोन होते हैं। इन रिबन माइक्रोफोन होते हैं रिबन इज सस्पेंडेड इन द मैग्नेटिक फील्ड साउंड वेव्स मूव द रिबन विच चेंजेस द करंट फ्लो थ्रू इट। एक पीजो इलेक्ट्रिक माइक्रोफोन है, क्रिस्टल इनसाइड माइक्रोफोन प्रोड्यूसेस करंट व्हेन सब्जेक्टेड टू प्रेशर।
और इसमें क्या होगा कि पीजो इलेक्ट्रिक बेसिकली क्रिस्टल होते हैं। इनका ये होता है कि जब इनके ऊपर प्रेशर डाला जाए किसी भी तरह का, तो ये करंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, तो उनको हम यूज़ करते हैं। दिस इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट साइज, यानी कि जो जितने माइक्रोफोन टाइप्स हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट हैं। सो दिस वॉज आवर लेक्चर, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम आउटपुट डिवाइसेस को जो डिस्कस करेंगे। एंड टिल नेक्स्ट लेक्चर ऐसे ही, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।